अगर आप सीरियस हैं ऑनलाइन सेलिंग के लिए और सीखना चाहते हैं कि कैसे आप घर बैठे अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस ई कॉमर्स के कोर्स को जरूर परचेज करें। फिलहाल इस कोर्स का जो प्राइस है वह हमने रखा है 249। एक मीडियम साइज पिज्जा से भी सस्ता हम यहाँ पर कोर्स सेल कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सेलर डैशबोर्ड, सेलर डैशबोर्ड के फीचर्स। अगर आपने रिसेंटली अपना सेलर अकाउंट क्रिएट किया है, आपको जानकारी नहीं है कि यह सिस्टम कैसे काम करता है, तो आज की इस वीडियो में आपको यह सारी जानकारी मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही आप एक न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको फ्लिपकार्ट का सेलर डैशबोर्ड देखने मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे जो सारी वैल्यूज हैं वह जीरो हैं, क्योंकि यह एक डेमो अकाउंट है और अभी हमने इसे यूज नहीं किया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अगेन हम एक डिफरेंट अकाउंट पर हैं, यह भी एक डेमो अकाउंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वैल्यूज हैं वह यहाँ पर आपको दिखाई देती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी दो ऑर्डर्स जो कि पेंडिंग में डले हुए हैं। फिर यहाँ पर आप रिटर्न देख सकते हैं जो कि 63 रिटर्न्स हैं। यहाँ पर आप लिस्टिंग चेक करेंगे जो 196 लिस्टिंग है। यहाँ पर आप पेमेंट्स चेक करेंगे और यहाँ पर आपको देखने मिलेगा ग्रॉस रेवेन्यू। हम चेंज करके डेमो अकाउंट पर चलेंगे तो कुछ इस तरह से आपको अकाउंट दिखाई देगा। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी है या फिर इम्पोर्टेंट फीचर्स है जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी वह होगी लिस्टिंग की। लिस्टिंग वाले सेक्शन की आपको ज़रूरत होगी, इसके बाद आपको ज़रूरत होगी ऑर्डर्स वाले सेक्शन की, और आपको फिर ज़रूरत होगी पेमेंट्स की। यह हमारी जो तीन कैटेगरी हैं, आप सबसे ज़्यादा इस सेलर अकाउंट्स में इन्हीं कैटेगरीज को यूज़ करेंगे। अगर आपके पास कोई ऑर्डर्स आता है तो यहाँ पर आपको शो होगा वह ऑर्डर। अगर आपको चेक करना है कि वह ऑर्डर कौन सा है या क्या उसकी डिटेल है, तो फिर आपको ऑर्डर वाले सेक्शन पर जाना है और यहाँ से आपको एक्टिव ऑर्डर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्टिव ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से फिर आपके सामने एक डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर जो भी आपके ऑर्डर्स होंगे वह आपके सो होंगे। फिर यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिखेगा पेंडिंग आरटीडी, आरटीडी का फुल फॉर्म यहाँ पर होगा रेडी टू डिस्पैच, और लास्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखेगा पेंडिंग हैंडओवर। जब आपके पास कोई ऑर्डर आएगा तो सबसे पहले वह पेंडिंग लेबल्स वाले सेक्शन में होगा। फिर यहाँ से आपको उस ऑर्डर को निकालना होगा, आपको सिंपली जनरेट लेबल्स पर क्लिक करना होगा। फिर उस पर्टिकुलर ऑर्डर की इनवॉइस हमारे सामने आएंगी और फिर वह हमारा जो ऑर्डर होगा वह चला जाएगा आरटीडी वाले सेक्शन पर। बट अभी भी आपके पास कुरियर बॉय नहीं आएंगे क्योंकि आपने उसे हैंडओवर नहीं किया है, तो आपको इस टाइम में अपने ऑर्डर को पहुंचाना होता है। यहाँ से सिंपली नेक्स्ट की प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से आप हैंडओवर कर सकते हैं। कुछ और यहाँ पर डिटेल्स दिखाई देती हैं जो कि डिस्पैच डिटेल्स होती हैं। यहाँ पर जो भी इन ट्रांजिट ऑर्डर हैं वह यहाँ पर दिखाई देंगे। पेंडिंग सर्विसेज, यहाँ पर आपको दिखाई देंगे अपकमिंग ऑर्डर्स, जो ऑर्डर्स अभी कंफर्म नहीं हुए हैं, हो सकता है कि पेमेंट के कारण कंफर्म नहीं हुए या फिर किसी और रीज़न से, बट आपके पास आ चुके हैं तो वह आपको यहाँ पर अपकमिंग ऑर्डर्स में दिखाई देंगे। और यहाँ पर आपको कंप्लीट ऑर्डर्स दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर आपको जो डेटा मिलेगा वह मिलेगा लास्ट 30 डेज का। यह हमारा ऑर्डर वाला सेक्शन होता है। लिस्टिंग वाला जो सेक्शन होता है वह यह होता है। लिस्टिंग वाले सेक्शन पर जब आप जाएंगे तो कुछ इस तरह से आपको यह दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी होती है। लिस्टिंग आप कैसे करेंगे इस पर हमारी एक सेपरेट वीडियो है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड न्यू लिस्टिंग का, सिंपली आप इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर दो ऑप्शन आते हैं, सिंगल लिस्टिंग और बल्क लिस्टिंग। दोनों ही टॉपिक पर हमारी सेपरेट वीडियो है कि कैसे आप एक प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे और कैसे एक साथ आप 50 प्रोडक्ट को या 100 प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, तो यह हमारा एक सेपरेट टॉपिक है। अगर हम चलें पेमेंट्स वाले सेक्शन पर, जैसे ही आप पेमेंट्स वाले सेक्शन पर आएंगे तो यहाँ पर अब आपको दिखाई देती है नेक्स्ट पेमेंट। जो पेमेंट आपको आने वाली है वह पेमेंट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। दो पेमेंट आपको क्यों दिखाई देंगी, क्योंकि हमारे कैश ऑन डिलीवरी के भी ऑर्डर्स होंगे और हमारे प्रीपेड के भी ऑर्डर्स होंगे। अगर किसी व्यक्ति ने UPI के माध्यम से या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट की है तो वह हमारे प्रीपेड ऑर्डर्स होंगे। अगर किसी व्यक्ति ने कैश ऑन डिलीवरी पर प्रोडक्ट को मंगाया है तो वह हमारे पोस्टपेड ऑर्डर्स होंगे। तो पोस्टपेड की जो भी पेमेंट होगी वह आपको यहाँ पर शो होगी, और जो प्रीपेड की पेमेंट होगी वह आपको यहाँ पर शो होगी। जो आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट होगी वह आपको यहाँ पर शो होगी। यहाँ पर आप एक चीज को नोटिस करेंगे कि प्रीपेड और पोस्टपेड का ऑप्शन आपको हर जगह देखने मिलेगा, क्योंकि पेमेंट आपको दो रिसीव होती हैं। प्रीपेड की आपको एक अलग पेमेंट शो होगी और पोस्टपेड की आपको एक अलग पेमेंट शो होगी। यहाँ पर नेक्स्ट पेमेंट शो होगी, यहाँ पर आपको लास्ट पेमेंट शो होगी। जो आपको लास्ट पेमेंट मिल चुकी है वह आपको यहाँ पर शो होगी। इसके अलावा इस पेज पर एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए है वह है फ्लिपकार्ट का रेट कार्ड।
देखिए फ्लिपकार्ट के रेट कार्ड के माध्यम से आप कर क्या सकते हैं कि आप पर्टिकुलर किसी भी कैटेगरी में जाकर उस कैटेगरी के कमीशन को चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने सर्च किया सू इन फुटवेयर, आप सिंपली इस पर क्लिक करें। यहाँ से आपको क्लिक करना है गेट रेट कार्ड पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने कमीशन शो हो जाते हैं कि पर्टिकुलर इस कैटेगरी पर क्या हमको कमीशन देना है, फिक्स फीस क्या है, कलेक्शन फीस क्या है। तो यह सारी जानकारी आपको इस रेट कार्ड से मिल जाती है। अगेन हम होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली यह है कि अभी हमारा जो स्टेटस होगा वह होगा ब्रोंज। फिर धीरे धीरे आपका स्टेटस बढ़ता जाता है, फिर आप ब्रोंज से सिल्वर में जाते हैं, फिर सिल्वर से गोल्ड में जाते हैं, और जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है तो आपको फैसिलिटीज़ भी बढ़ती जाती हैं। यहाँ पर जो हमारा मेन डैशबोर्ड होता है वह कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर आप देखेंगे एक ग्रॉस रेवेन्यू का आपको ऑप्शन दिखाई देता है। हालांकि यहाँ पर कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, हम किसी डिफरेंट अकाउंट को ओपन करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे ग्रॉस रेवेन्यू में आपको डेली के सेल्स देखने मिल जाते हैं। यहाँ पर आप डेट वाइज चेक कर सकते हैं कि ग्रॉस रेवेन्यू क्या है, कितने यूनिट आपने सोल्ड किए हैं, एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है। तो यह डेटा आपको यहां पर देखने मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पेमेंट्स वाले सेक्शन पर कि आपको नेक्स्ट पेमेंट शो होती है, तो यहां पर आपको नेक्स्ट पेमेंट दिखाई देती है। दो पेमेंट्स आपको शो होती हैं प्रीपेड और पोस्टपेड की, तो यहां पर आपको दो पेमेंट्स भी दिखाई देती हैं। फिर लिस्टिंग वाले सेक्शन पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी 196 एक्टिव लिस्टिंग है और जो इनएक्टिव लिस्टिंग है वह है 54। यहां पर आप आउट ऑफ स्टॉक भी देखेंगे, बहुत सारी क्लाइंट की लिस्टिंग ऐसी भी हैं जो कि आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी हैं। इसके अलावा यहाँ पर लो स्टॉक भी आप चेक कर सकते हैं। रिटर्न का एक सेक्शन यहाँ पर आपको दिखाई देता है, यह पूरा हमारा रिटर्न का सेक्शन होता है। आपके टोटल रिटर्न्स कितने हैं, कंप्लीट कितने हो चुके हैं, क्लेम आपने कितने प्रोडक्ट का लिया है, यहाँ पर आपको क्लेम की वैल्यू भी दिखाई देती है। तो इस तरह से हमारा बेसिक यह डैशबोर्ड होता है। अगेन हम डेमो वाले डैशबोर्ड पर चलेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा आपको लिस्टिंग को यूज़ करना है, लिस्टिंग के बाद आपको ऑर्डर्स पर जाना है। ऑर्डर्स में आपको एक्टिव ऑर्डर्स दिखेंगे, आपको यहाँ से रिटर्न्स दिखाई देंगे, जो कैंसिल हो चुके हैं वह आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, तो आप सेपरेट कैटेगरी पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। पेमेंट्स का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। पेमेंट्स में अगर आप ओवरव्यू चेक करना चाहते हैं पेमेंट्स का तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप ट्रांजेक्शन चेक करना चाहते तो यहाँ पर आप पर्टिकुलर ऑर्डर आई डी को टाइप करके भी ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट को निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर हम ग्रोथ पर चलें तो यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस आपको देखने मिल जाते हैं, तो एक टाइम के बाद आपको इन ऑप्शंस की भी ज़रूरत होगी और इन्हें हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। रिपोर्ट का जो ऑप्शन है वह इंपॉर्टेंट है। जब आप जीएसटी को फिल करेंगे तो रिपोर्ट को आपको डाउनलोड करना होगा, तो वह सारी रिपोर्ट्स आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट अगर आप कैंपेन वगैरह रन करना चाहते हैं तो वह आप यहां से करेंगे। इसके अलावा पार्टनर सर्विस भी हैं, अगर आपको किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से आप सर्विस भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, हम अकाउंटिंग पर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आप आ चुके हैं पार्टनर सर्विस नेटवर्क पर। यहाँ पर अब आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि हम अकाउंटिंग को सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने अब सर्विसेज आ चुकी हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे जयपुर ग्लोबल सर्विसेज, यहाँ पर आप देखेंगे मेक माई रिटर्न। तो अलग अलग यहाँ पर प्लान्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरी होती हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं, तो यह सब आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार देखना है। हालांकि मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इन्हें यूज़ करें, आप सारी चीज़ों को खुद से सीखें और फिर उसे इम्प्लीमेंट करें, तो इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आपको सही जानकारी भी मिलेगी। बायर चैट का एक ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। अगर पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट पर किसी बायर के कोई क्वेश्चन है या फिर वह कुछ पूछना चाहता है तो वह आपको यहाँ पर शो होगा। यहाँ से अगर आप चाहें तो आप आंसर भी कर सकते हैं। फिर एक हेल्प का सेक्शन है, तो हेल्प का मैंने आपको बताया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको प्रॉब्लम होगी तो यह सेक्शन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको क्लिक करना है कॉन्टैक्ट सेलर सपोर्ट पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने सेपरेट सेपरेट कैटेगरी आ चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रॉब्लम आ रही है पेमेंट में, आपको पेमेंट से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए या फिर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको जाना है पेमेंट्स वाले सेक्शन पर। अब आपको पेमेंट्स वाले सेक्शन में भी सब कैटेगरीज देखने मिलेंगी कि पर्टिकुलर किस टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे कि हमें रेट कार्ड से रिलेटेड कंप्लेंट है या फिर क्वेरी है, तो हम सिंपली रेट कार्ड पर क्लिक करेंगे। अब रेट कार्ड में यहाँ पर आपके सामने मल्टीपल सब कैटेगरीज आ जाती हैं। जैसे यहाँ पर आप चेक करेंगे हाउ टू चेक रेट कार्ड पर्टिकुलर डेट रेंज, तो यहाँ पर आप सिंपली इस पर क्लिक करें। आपने जैसे ही इस पर क्लिक किया है तो आपके सामने कुछ और इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपको जाना है पेमेंट्स पर, फिर पेमेंट्स वाले सेक्शन पर से आपको पेमेंट्स ओवरव्यू पर जाना है, और पेमेंट ओवरव्यू के बाद यहाँ पर आपको जाना है फ्लिपकार्ट रेट कार्ड पर। तो इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपको यहाँ से भी मिल सकती है। अगर हम चलें लिस्टिंग वाले सेक्शन पर,
लिस्टिंग वाले सेक्शन से हम जाते हैं लिस्टिंग रिलेटेड इशू पर और यहाँ से हम क्लिक करते हैं कैटलॉग क्यूसी फील्ड पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने फिर वही ऑप्शन आ चुके हैं, पर्टिकुलर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब अगर आपकी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व नहीं होती है तो फिर आपको फिर क्लिक करना है क्रिएट सेलर सपोर्ट पर, फिर आगे आप अपनी इन्फॉर्मेशन को डिटेल में बता सकते हैं और यहाँ पर आप अपना कॉल बैक नंबर भी दे सकते हैं। आपको जिस पर्टिकुलर एसक्यू आईडी में प्रॉब्लम है उस आईडी को यहाँ पर डाल सकते हैं और सिंपली आपको क्लिक करना है सबमिट रिक्वेस्ट पर। जैसे ही आप सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो इस नंबर पर आपके पास फ्लिपकार्ट की तरफ से फ़ोन आएगा और फिर आप डिटेल में सारी चीज़ों को पूछ सकते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर मल्टीपल कैटेगरीज हैं तो मल्टीपल कैटेगरीज में आपको सब कैटेगरीज मिलेंगी और सब कैटेगरीज में आपको पर्टिकुलर टॉपिक मिलेंगे, तो यहाँ से भी शुरुआती टाइम में आपकी बहुत हेल्प होगी। अगेन हम होम पेज पर चलेंगे। फाइनली जो हमारा डैशबोर्ड होगा सेलर अकाउंट का वह कुछ इस तरह से आपको शो होगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप सारी चीज़ों को सीखते जाएंगे तो आपको आसानी होगी इसे समझने में और उसे यूज़ करने में। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।